है भगवान बुद्ध के ननिहाल देवदा, लेकिन योगी सरकार नहीं दे रही ध्यान। विश्व भर में अहिंसा का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध का ननिहाल देवदह आज अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जिले के लक्ष्मीपुर ब्लॉक में स्थित देवदह कुल 88 एकड़ जमीन में फैला हुआ था। किसानों ने जमीन पर पट्टे कराए थे, लेकिन अब यह टिले के नाम पर जमीन महज 1 एकड़ के करीब ही बचा है। जनपद महाराजगंज का भगवान गौतम बुद्ध से काफी निकट का संबंध रहा है। इसी जिले में भगवान बुद्ध के ननिहाल देवदह भी स्थित है, जो आज बनारसिया कला के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार जिले में देवदह, रामग्राम और कुंवरवर्ती स्तूप का नाता भगवान गौतम बुद्ध से रहा है, लेकिन आज इन स्थानों का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। आज घोषित बौद्ध परिपथ में कुशीनगर से गोरखपुर को जोड़ते हुए सीधे कपिल वस्तु से मिला दिया गया है। इसमें महाराजगंज से जुड़े बौद्ध परिपथ को छोड़ दिया गया है। किसान पर रोक लगाई गई है कि वह 2 फुट से ज्यादा खुदाई नहीं कर सकते हैं। देवदह के देखरेख कर रहे पुरातत्व के कर्मचारी ओम प्रकाश ने बताया कि यदि सरकार ध्यान दे तो इस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाएगा। स्थान के लिए बहुत सारा कार्यक्रम करते रहे, सम्मेलन करते रहे, लेकिन सम्मेलन से सरकार नहीं जागी। तो अब हम लोग आंदोलन पे उतर गए हैं कि यहाँ की जनता, यहाँ के प्रबुद्ध जन के साथ हम लोग आज बैठ गए हैं धरना प्रदर्शन पे 1 तारीख से। इसकी आंदोलन कर रहे हैं कि ये जो रोड बन रहा है, बौद्ध परिपथ पूर्व प्रस्तावित था, उसको इन्होंने इधर का उधर कर दिया, बंदर बांट कर दिया, जिसपे जापान सरकार ने भी पैसा दिया था, लेकिन यहाँ की सरकार ने उसको व्यवस्था नहीं दे पाई, तो वो पैसा इधर यहाँ न लग के कहीं और चला गया। मांग कर रहे हैं कि इसको तत्काल बनाया जाए, अगर नहीं बनेगा तो ये रोड नहीं बनेगा, इसका उत्थान नहीं किया जाएगा, इसका उत्खनन करके इसका विकास नहीं किया जाएगा, तो हम लोग इस आंदोलन को किसी भी रूप में ले जा सकते हैं और बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। आज यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। आए दिन टिले की जमीन कब्जे की वजह से सिमटता जा रहा है। दूसरी तरफ देवदह बौद्ध विकास समिति अध्यक्ष जितेंद्र राव ने बताया कि राजनीतिक उदासीनता की वजह से देवदह उपेक्षाओं का शिकार हो गया है। बौद्ध परिपथ और देवदह के विकास के लिए हम लोग 2010 से ही संघर्ष कर रहे हैं। यह क्षेत्र बौद्धकालीन इतिहास से जुड़ा होने के बाद भी आज अपने पहचान को मोहताज है।